देखिए 22 प्रतिज्ञाओं की बात आप सब लोग जान रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल छापी है। एक मिनट वेट करें, इतना घंटा अरे पहले पीछे 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 थोड़ा पीछे 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 थोड़ा सा यार तुम तो हट जाओ यार, जगह दे दो यार। सामने आप देख सकते हैं जो कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, जो मीडिया है नेशनल मीडिया, काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, पूरी नेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है। सामने आप देख सकते हैं 2:30 बजे से कंटिन्यू यहाँ पर बिठा के रखा गया था। मंत्री जी अभी बाहर आए हैं और ये सामने पहाड़गंज थाने पर इतनी भीड़ जो आप देख रहे हैं, उनके निकलते ही ये भीड़ जो है टूट पड़ी है, क्योंकि मंत्री जी जो केजरीवाल जी की मंत्री गौतम जी जो कि गौतम जी हैं और एक काशीज उनके चलते उनके ऊपर FIR की गई है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात की गई थी उसी के चलते इनके ऊपर FIR की गई। क्या कर रहे हो यार? ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और विजुअल लेना भी और बाइट लेना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि टूट टूट पड़ चुके हैं इतनी भीड़। मगर आप ये देखिए कि मंत्री जी जो है केजरीवाल जी की सरकार से है, और केजरीवाल जी के कोई भी मंत्री या संगठन या पार्टी से कोई भी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर ये देखिए सत्येंद्र जैन थे और एक तरफ सिसोदिया जी थे जो ठाकुर कास्ट से आते हैं, लेकिन ईडी का छापा पड़ जाता है लेकिन उनके लिए जो है कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी से इस्तीफा मांग लिया जाता है और इतने घंटे की जो है कार्रवाई की जाती है और FIR कर दी जाती है उसके तहत। यहाँ पर जो है अभी राजेंद्र पाल गौतम जी बाहर आए हैं, बहुत ही ज्यादा ये आप देखिए पहाड़गंज थाने पर जो है पूरा इतना माहौल बना हुआ है, दोपहर से लगातार यहाँ पर जो है उनको बिठा कर रखा गया था थाने के अंदर, और अब जो है आप टाइम देख लीजिए, टाइम 6:07 बजने वाला है, लेकिन अब जो है मंत्री जी छूटे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस की कि आप विदाउट FIR किसी को नोटिस नहीं इशू कर सकते, लेकिन आपने नोटिस इशू किया है और 4 घंटे बिठाया है। बिठा के रखा है, बिठा के रखा है और क्या करेंगे, इनके पास कोई FIR नहीं है। एक्शन लेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आर गोइंग टू मूव रिट अगेंस्ट। देखिए फ्यूचर प्लान यही है कि इसके खिलाफ तो जाएंगे, अगर हमारे पास हमारे ऊपर कुछ एट्रोसिटी हो रही है। देखिए शेड्यूल SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में भी आप किसी को मैलिशियस उसमें डिटेन करके रखते हैं, मैलिशियसली डिटेन करके रखते हैं, तो वो भी उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। और कई सारी हमारे पास रेमेडीज हैं कि अगर ये रजतपाल गौतम मंत्री जी भी खुद एडवोकेट हैं, 30 जारी में वो बैठा करते थे और अभी भी वो एडवोकेट हैं, और
जरूर जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतियां लेके गए आप लोग, क्या कहा उस पर कोई बात हुई क्या? देखिए 22 प्रतिज्ञाओं की बात आप सब लोग जान रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल छापी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की छापी हुई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको पढ़ा है दोबारा से, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑलरेडी कह चुके हैं। बात हुई क्या अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर क्या बात हुई कि मतलब यही तो पूछा ना कि क्या वो ठीक है या गलत। हाँ जी बिल्कुल, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, मंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। ये अंदर से जो अभी वकील जो उनके साथ मौजूद थे गौतम जी के साथ, वहाँ पर लगातार जो है गौतम जी के साथ अंदर बैठे रहे और किस तरीके की जो कार्रवाई की गई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए बीजेपी जो पार्टी के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, जब वो ऐसी युवा संगठन का तरफ से जब वहाँ पर ऐसी सभा जुटती है तो वहाँ पर इस तरीके का जो है आह्वान करते हैं, मुस्लिमों को बायकॉट करने की बात करते हैं, मुस्लिमों के लिए एक समुदाय के लिए जो है लगातार बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है FIR और धाराएं नहीं लगती हैं। और ये देखिए कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात की थी, उसी के चलते उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। लेकिन केजरीवाल जी के ये देखिए दोहरे नीति कि पार्टी की तरफ से कोई भी यहाँ पर नेता मौजूद नहीं है, कोई भी संगठन से जो लोग हैं वो भी बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या मंत्री जी को जो इस्तीफा देना पड़ा वो दबाव में देना पड़ा, पार्टी के पीछे से दबाव दिया जा रहा था, और मनीष सिसोदिया जैसे जिनके ऊपर ED का छापा पड़ा लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं दिया दिलवाया गया क्योंकि वो ठाकुर जाति से आते हैं। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी हमेशा समाज की बात करते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं और हमेशा से बाबा साहब की राह पर चलते हैं। तो यानी कि जो केजरीवाल है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की फोटो को दिखाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके नाम पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी देखिए हम बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ मौजूद है और जो अंदर जाने की बिल्कुल भी जो है ये देखिए आप जा भी नहीं सकते हैं, इतना भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं जवान हूँ मैं, भारतीय बौद्ध महासभा मिशन जय भीम का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते, एक अंबेडकरवादी होने के नाते, और चूंकि मुझे भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया उसमें मेरी गहरी आस्था है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न करते हैं मैं उनको एक और आज आह्वान कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने भारत को छोड़ छूत मुक्त भारत नहीं बनाया, अगर भारत से जातिवाद खत्म नहीं हुआ तो ये 10,000 नहीं, भारत के अंदर करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे।